सिलाई मशीन भिजवाने के बाद राहुल गांधी ने मोची रामचेत को किया फोन, अपने आप को मालिक बोलने से किया मना। उत्तर प्रदेश के जिले सुल्तानपुर में रहने वाले मोची रामचेत को सोमवार की सुबह 11 बजे अचानक एक फोन आया और आपको बता दें ये उन्हें ये फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी थे। राहुल की आवाज सुनते ही रामचेत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, बोलिए मालिक। इस पर राहुल ने कहा कि मुझे मालिक मत कहिए। राहुल ने भेजे गए जूते की सराहना की, साथ ही साथ सिलाई मशीन कैसी है इसके बारे में भी पूछा। 26 जुलाई को मिले थे रामचेत से राहुल। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को यूपी के सुल्तानपुर में मोची रामचेत से मुलाकात करने के बाद एक कदम उठाया था। उन्होंने रामचेत के लिए जूते सिलने की मशीन भिजवाई थी। इस बात की जानकारी कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी 26 जुलाई को सुल्तानपुर में मोची रामचेत जी से मिले थे और उनके काम की बारीकियों को समझा था। अब उनके लिए जूते सिलने की मशीन भिजवाई है जिससे रामचेत को जूते सिलने में आसानी होगी। ऐसे में आपके राहुल जन जन के राहुल। पेशी के बाद मोची से मिले राहुल। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे और यहां कोर्ट से निकलने के बाद एयरपोर्ट जाने के दौरान वह एक मोची की दुकान पर रुके थे जहां राहुल गांधी ने इस दौरान मोची से बातचीत की थी और उनका हालचाल भी जाना था। मेहनत को सराहना देना है हमारा काम। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज से वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रास्ते में गाड़ी रुकवा कर मोची का काम करने वाले परिवार से मुलाकात की है और हम इन मेहनतकश लोगों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। सड़क से संसद तक इनकी आवाज़ को बुलंद करने में लगे हुए हैं। इनका वर्तमान सुरक्षित है और भविष्य को खुशहाल बनाना ही हमारा लक्ष्य है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचकर रेहड़ी पटरी वाले दिहाड़ी मजदूर से भी मुलाकात की थी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।